हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं अग्निवीर, एयरफोर्स और नेवी का जो फिजिक्स के एमसीक्यूज हम चला रहे थे उसके बारे में। इसकी जो पहली वीडियो है वो आ चुकी है, आप उसको देख सकते हैं। उसका लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे हम जो सिलेबस निकाला है, ऑफिशियल सिलेबस आया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एमसीक्यूज करा रहे हैं। तो बच्चों, ये फिजिक्स का सिलेबस आप देख सकते हैं, अग्निपथ का सिलेबस है, जिसमें हमने पहली जो पार्ट वन है इसका, उसमें हमने पहले से पांच ये जो चैप्टर्स आप देख रहे हैं इसके एमसीक्यूज करा दिए हैं। ठीक है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। आज की जो वीडियो रहने वाली है बच्चों, आज इस वीडियो हम सिक्स से लेके यहाँ 10 तक के बाकी के पांच जो यूनिट्स हैं, पांच जो चैप्टर हैं, उनके ऊपर एमसीक्यूज आपको करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, थर्मोडाइनेमिक बिहेवियर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ऑसिलेशन एंड वेव्स। ठीक है, ये सेम है, आप देख लीजिए बच्चों। ठीक, यहाँ पे यूनिट वाइज एमसीक्यूज करा रहे हैं हम लोग। तो चलिए इसके सारे क्वेश्चन देखते हैं। इसका पार्ट वन आप ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो और बाकी पीडीएफ की बात करें तो ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करा दी जाएगी। अब चलिए पहले इसको वीडियो को देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे पहले देख सकते हैं, ग्रेविटेशन से स्टार्ट करते हैं इसका जो एमसीक्यूज है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट वुड बी द ड्यूरेशन ऑफ द ईयर इफ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन गेट डबल्ड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बच्चों आपका वन रहेगा, ए रहेगा, यानी कि 1030 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देर इज अ नो एटमोसफेयर ऑन द मून बिकॉज। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों डी, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज लेस देन देयर रूट मीन्स स्क्वायर रूट वेलोसिटी। ठीक, नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, थर्ड वाला कह रहा है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ ऑफ रेडियस आर विद विलोसिटी इक्वल टू द हाफ ऑफ द एस्केप विलोसिटी, द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉडी इज आर बाय थ्री। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं एमसीक्यूज, इसमें कह रहा है बच्चों फोर्थ, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट गिव द एक्सपेरिमेंटल विलोसिटी ऑफ जी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका है चैंडिक्स। ठीक है, नेक्स्ट तो यहाँ लिखा है, हाउ मच वर्क पर किलोग्राम नीड टू बी डन टू शिफ्ट अप 1 kg मास फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ ऑफ इन्फिनिटी, टेक एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू जी, रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू आर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बच्चों आपका ए हो जाएगा, यानी कि जी आर। ठीक, इसके अलावा बच्चों जो पहला पार्ट था उसमें मैंने आपको ये बोला था कि जो हम लोग आपको 100 MCQs प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, पर चैप्टर की, यानी कि पर यूनिट की, तो उसकी जो पीडीएफ है वो हम जल्दी उपलब्ध करा देंगे, जैसे ही ये फिजिक्स की पूरी ये तीनों पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद। तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ जुपिटर इज़, तो करेक्ट आंसर है आपका लेस देन द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं, इफ़ अ बॉडी ऑफ मास एम इज टेकन आउट फ्रॉम द पॉइंट बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ आर टू द हाइट आर अबव द अर्थ सर्फेस, देन वर्क डन ऑन इट विल बी, तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका रहेगा 7/8 mgr। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। और बच्चों एक चीज़ बता दूं कि इसके अंदर न्यूमेरिकल्स थोड़े से कम हैं, लेकिन जो हम लोग यूनिट वाइज पीडीएफ देंगे उसमें आपको 100 MCQs में न्यूमेरिकल क्वेश्चन थ्योरी सब मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एट देखते हैं, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ ऑफ रेडियस आर विद वेलोसिटी इक्वल टू द हाफ ऑफ द एस्केप वेलोसिटी, द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉडी इज, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका रहेगा r/3। ठीक, नेक्स्ट, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज लीस्ट, इस करेक्ट आंसर बच्चों आपका एट द इक्वेटर। 10th क्वेश्चन देखते हैं, देयर इज नो एटमोसफेयर ऑन द मून बिकॉज, तो ये क्वेश्चन बच्चों शायद रिपीट हो गया है। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11th, द मास ऑफ मून इज 1% ऑफ द मास ऑफ अर्थ, द रेशियो, यहाँ बच्चों ये रेशियो होगा आपका, द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन मून एंड द मून ऑफ द अर्थ विल बी, तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका 1:1। नेक्स्ट देखते हैं, तो 10th क्वेश्चन कह रहा है, अ बॉडी वेयर 72 N ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, वॉट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट ड्यू टू द अर्थ एट द हाइट इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो करेक्ट आंसर बच्चों यहाँ पे रहेगा 32 N। ठीक,
यहाँ पे सिर्फ हम आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि बच्चों देखिए आप किताबों से तो पढ़ ही रहे होंगे एंड काफ़ी यूट्यूब चैनल से आप उनके जो क्रैश कोर्स चल रहे हैं, थ्योरी कोर्स चल रहे हैं, वो भी कर रहे होंगे, लेकिन एमसीक्यूज आपको नहीं पता होगा कैसे बन के आ रहे हैं। एमसीक्यूज आपको कम प्रोवाइड हो रहे होंगे, इसलिए यहाँ पर हम आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज प्रोवाइड कराएंगे। अभी 50 MCQs इस वीडियो में, इससे पहले जो 5 यूनिट है उसके 50 MCQs हम करा चुके हैं, ठीक है, और पर यूनिट वाइज 100 MCQs आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे, ठीक, जिससे कि आपके पास पर यूनिट 100+ MCQs हो जाए, जिससे कि तैयारी अच्छे से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंसेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग क्वान्टिटीज इज नॉट कंजर्व्ड, तो करेक्ट आंसर आपका रहेगा लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मच डीप इनसाइड द अर्थ रेडियस इज इक्वल टू आर शुड अ मैन गो सो डैट हिज वेट बिकम 1/4 ऑफ दैट ऑन द अर्थ सर्फेस। इसका करेक्ट आंसर बच्चों 3R/4। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये सेकेंड पार्ट आ गया बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर, ये वाला, ठीक है, सेवेंथ, तो प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर आ गया। इसके MCQs देखते हैं, तो यहाँ लिखा है इफ द टेंशन ऑन द वायर इज रिमूव्ड एट वंस देन, करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों इसका इट्स टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर। नेक्स्ट देखते हैं। अ गुड लुब्रिकेंट शुड हैव हाई विस्कोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अ स्ट्रेस्ड रबर हैज़ इंक्रीज्ड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, करेक्ट आंसर आपका रहेगा इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट हुक्स लॉ इशेंशली डिफाइंस, तो यहाँ करेक्ट आंसर है इलास्टिक लिमिट्स, जो हुक लॉ होता है वो डिफाइन करता है इलास्टिक लिमिट को। नेक्स्ट देखते हैं। टू वायर्स ए एंड बी आर द सेम लेंथ द डायमीटर आर इन द रेशियो ऑफ 1:2 एंड द यंग मॉड्यूल्स आर इन द रेशियो ऑफ द 2:1 इफ दे आर पुल्ड एट द सेम फोर्स देन देयर इलॉन्गेशन विल बी द रेशियो ऑफ, तो यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों आपका 2:1, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थर्मोडाइनेमिक, यहाँ आप देख सकते हो बच्चों 8th नंबर पर थर्मोडाइनेमिक है, तो इसके MCQs देखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है हीट इज नॉट बींग एक्सचेंज इन द बॉडी इफ इट्स इसेंशियल एनर्जी इज इंक्रीज, तो यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों आपका टेम्परेचर विल इंक्रीज, ठीक है। और यहाँ पे परेशान न होइए कि हर टॉपिक से इतने कम MCQs क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट MCQs ही करा रहे हैं, बाकी जो PDF प्रोवाइड कराई जाएगी जैसे ही इसके सारे पूरी यूनिट हम लोग ये पूरी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, इसके MCQs कंप्लीट हो जाएंगे, फिर जो PDF हम देंगे आपको पर यूनिट का 100 MCQs का, उसके अंदर सारे क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक इज अ स्पेशल केस ऑफ, तो करेक्ट आंसर बच्चों यहाँ रहेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट देखते हैं। इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स फ्रॉम ए टू बी स्टेट द हीट रिक्वायर्ड इज क्यू एंड द वर्क डन बाय द सिस्टम इज डब्ल्यू दैट चेंजेस इन इट्स इंटरनली इंटरनल एनर्जी, तो यहाँ रहेगा आपका करेक्ट आंसर Q-W। नेक्स्ट देखते हैं। टेम्परेचर इज अ मेजरमेंट ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट दिस डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन, तो यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों आपका ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक इज कंसर्न विद द कंजर्वेशन ऑफ, तो करेक्ट आंसर है बच्चों यहाँ पे आपका एनर्जी। नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू आइसोथर्मिक प्रोसेस विच वन इज रॉन्ग, ठीक, तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका रहेगा नो एक्सचेंजेस ऑफ एनर्जी, ये आपका गलत स्टेटमेंट है, ठीक। 26 देखते हैं। इन थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस 200 जूल ऑफ हीट इज गिवन टू द गैस एंड 100 जूल ऑफ वर्क डन ऑल्सो डन ऑन इट द चेंजेस इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज, तो करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों आपका 300 जूल्स। नेक्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट द फैक्टर डेट अफेक्ट द हीट ऑफ रिएक्शन विच इज़ बेस्ड ऑन द खिंचाव इक्वेशंस, तो करेक्ट आंसर बच्चों आपका रहेगा टेम्परेचर। नेक्स्ट देखते हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक इज रिप्रेजेंटेड एज, तो करेक्ट आंसर बच्चों यहाँ पे रहेगा फर्स्ट वाला, यानी कि DQ = DU + DW, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं। काइनेटिक के सारे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। तो यहाँ पे इसके MCQs अगर देखें, तो यहाँ पहला MCQ कहता है अ गैस बिहेव एज एन आइडल गैस एट, तो करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों आपका लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट MCQ देखते हैं। ऑन विच फैक्टर डज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स डिपेंड, तो करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों यहाँ पे टेम्परेचर, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर, तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा मॉलिक्यूल मोशन स्टॉप्स। ठीक है, यहाँ पे बच्चों मैं एमसीक्यूज आपको यूनिट वाइज इसलिए करा रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि अभी मिक्स एमसीक्यूज मैं आपको दे दूँ इस पूरे सिलेबस का, कहीं से भी आप उठा के दे दूँ तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से चैप्टर कौन से यूनिट का एमसीक्यूज है। इसलिए हर अलग अलग यूनिट के एमसीक्यूज कराए जा रहे हैं जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, आपको आसान रहे समझने में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक, तो करेक्ट आंसर बच्चों यहाँ रहेगा आपका जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो इसका करेक्ट आंसर है 1:1। ठीक है, बाकी नेक्स्ट देखते हैं, एसआई यूनिट ऑफ गैस कॉन्स्टेंट इज, तो यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों आपका जूल्स के इनवर्स, ये बच्चों इनवर्स है, ठीक है, जूल के इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक, इसको आप वो माइनस वन मत समझिएगा, ये आपका देखिए के इनवर्स रहेगा आपका, और बच्चों यहाँ पे आपका रहेगा आपका मोल इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेचुरल गैसेस बिहेव लाइक एन आइडल गैसेस एट, तो यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा आपका हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों आपका वेव मूविंग थ्रू अ स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, इफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज गॉट अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 0.02 meter एंड एक्सलेशन इक्वल टू 2 meter per second square, ये स्क्वायर है बच्चों, एट एनी टाइम द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर इज इक्वल टू द, तो यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा आपका 10 radians per second। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ क्वेश्चन है विच When a particle performing uniform circular motion of a radius 10 cm undergoes the SHM, ठीक है, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, what will be its amplitude, को करेक्ट आंसर रहेगा आपका 10 cm। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इट इन डैम्ड ऑसिलेशन, ठीक, द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर क्या रहेगी आपकी, तो करेक्ट आंसर है रिमेन द सेम। ठीक, तो दोनों आपकी सेम रहेगी। ठीक, तो यहाँ नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों यहाँ पर आपका टोटल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल्स परफॉर्मिंग हार्मोनिक मोशन इन वन टाइम पीरियड, ये आपका बच्चों मोशन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ओ रहेगा आपका, तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा 0। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, तो ये क्वेश्चन है आपका कि इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ ह्यूमन हार्ट इज 1.25 hertz, द नंबर ऑफ हार्ट बीट इन 1 second, तो यहाँ पे 1 second में जितनी हार्ट बीट वो बीट करेगी आपकी वो रहेगी 75। ठीक है, ये 1 minute में करेगी। नेक्स्ट देखते हैं, द टाइम पीरियड ऑफ SHM डिपेंड्स अपॉन, तो करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों आपका मास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ कॉन्स्टेंट लेंथ एट अर्थ सरफेस इज टी, इट्स पीरियड इनसाइड अ माइन इज, तो करेक्ट आंसर रहेगा ग्रेटर देन टी। ठीक है, बाकी बच्चों इसकी PDF प्रोवाइड कराई जाएगी, इससे पहले जितनी भी MCQs हमने कराए हैं उसकी पूरी प्लेलिस्ट आप जाइए प्लेलिस्ट में चेक करिए, आपको सिर्फ और सिर्फ अग्निवीर के ही सारे MCQs मिल जाएंगे। हम लोग काफ़ी MCQs आपको करा चुके हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में है बच्चों। ठीक है, तो सीरीज़ को प्लीज़ देखिएगा, आप प्लेलिस्ट चेकआउट करिएगा, प्लस यहाँ पे जो ये वाली सीरीज़ चल रही है, जो सिलेबस के वाइज सीरीज़ चल रही है, देख सकते हैं अग्निपथ रिक्रूटमेंट की फिजिक्स का सिलेबस वाइज जो चला रहे हैं, इसकी PDF भी प्रोवाइड करा देंगे। और बच्चों इंग्लिश का भी हम लोग चला रहे हैं, जहाँ पे एक वीडियो आ चुकी है, बाकी सिलेबस में जितने टॉपिक्स बचे हैं उसकी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी इंग्लिश की भी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ पार्टिकल्स इज मूविंग इन अ सर्कल विथ यूनिफॉर्म स्पीड देन इट्स मोशन इज, तो यह करेक्ट आंसर रहेगा आपका पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज बाय 300% देन द टाइम पीरियड विल बी इंक्रीज बाय, तो यहाँ पे रहेगा आपका 100%। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस डिपेंड्स, तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका बच्चों ऑन द डेंसिटी एंड द इलास्टिसिटी ऑफ गैसेस। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ 2 waves इज 3:4, द रेशियो यहाँ पे बच्चों आपका ये रेशियो
ठीक है, ये नहीं है। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑब्टेन फ्रॉम देन विल बी, तो करेक्ट आंसर आपका 49:1। ठीक है, 50 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इसको और देख लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑर्गन पाइप विल बी, तो यहाँ करेक्ट आंसर है बच्चों आपका इंक्रीज। ठीक है, ये 50 क्वेश्चंस हो गए हैं। इसके अलावा बच्चों चैनल को आप चाहे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अभी इतने और टॉपिक्स बचे हुए हैं, इसकी भी पीडीएफ, इसकी भी वीडियो आने वाली है पार्ट 3 में। ठीक है, अगर आपको चाहिए वो भी क्वेश्चन, उसके एमसीक्यूज भी देखने, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा। ठीक है, बाकी पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ आपको हमारे यूट्यूब चैनल, ये जो आप वेबसाइट देख सकते हैं, इस पे जल्द ही प्रोवाइड करा दी जाएगी। प्लस बच्चों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 आने वाला है। और इंग्लिश का भी हम लोग सिलेबस वाइज करा रहे हैं, जिसमें हाफ सिलेबस हमने कवर कर दिया है, उसकी वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, उसकी वीडियो भी, जो आगे की सिलेबस बचा है उस पे भी एमसीक्यूज आ जाएंगे। प्लस मैं फिर से कह रहा हूँ, हर यूनिट के, हर चैप्टर के 100 एमसीक्यूज की जो पीडीएफ है वो बन रही है, उसके क्वेश्चंस हम लोग ऐड ऑन कर रहे हैं, जहाँ पे आपको न्यूमेरिकल थ्योरी सब मिल जाएगा। ठीक है, उसकी भी वीडियोस, उसकी भी पीडीएफ आ जाएगी, जल्दी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तब तक के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है बच्चों। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो में पूछ सकते हैं। प्लस अगर आपको कोई और पेपर चाहिए तो उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन बच्चों। और अब मिलते हैं इसके पार्ट 3 में, के पार्ट 3 आगे का जल्दी से जल्दी कवर कर लेते हैं। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।